दे दो ना प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। चाहिए टुकड़ा अलग डिश है और पुडिंग अलग डिश है, ये तुम दोनों को ढके लेना चाहिए। आग लग गई भाई, आग लग गई। हेलो बडीज, तो आज हम करने वाले हैं 50 रुपीस के चैलेंज में बॉयज टीम वर्सेस गर्ल्स टीम होंगी। दोनों को 50-50 रुपए मिलेंगे और उसमें बनाना है बहुत कुछ तो मजेदार खाना। लेकिन एक्चुअली ना 50 रुपए में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पार्लर में तो कुछ मिलता भी नहीं है। पार्लर में? अरे तुझे पता है अगर लड़कियां 1 महीना पार्लर में नहीं जाएंगी वो कैसी दिखेंगी? आधा पुरुष। अरे 1 महीने में दोनों मुझे निकल आएगी ना और आईब्रो इतनी मोटी मोटी हो जाएगी। हम पे जोक मारा ना, तो अब हम जो बताएंगे ना वही डिश तुम बनाओगे 50 रुपए में। ठीक है, जो हम बताएंगे वो तुम बता। हमें छोड़ो, पूरे ऑफिस को सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? अंग्रेज वाले नहीं देते कोई तो पुडिंग। ओके, पुडिंग बनाने। पर तुम लोग क्या बनाओगे पता क्या? वाफले। वाफले वाफल वाफल बना लेना। वाफल 50 रुपए तो हम कैसे पुडिंग बना रहे हैं? अरे बाहर, अरे बाहर कैसे जाएंगे? बाहर हो रही है बारिश और बारिश के ऊपर मेरे पास है एक शायरी। क्या? कि बारिश का मौसम है बहुत ही गीला गीला। हाँ। बारिश का मौसम बहुत ही गीला गीला और अक्षता प्रीति का सर है थोड़ा ढीला। हम भी निकलते हैं, तुम भी निकल जाओ, बना लो। अक्षता मुझे पता है राहुल की मशीन कहाँ पे मिलेगी? हाय किटी, क्या इधर आ? पुडिंग मतलब क्या होता है? पुडिंग यानी वो मलाई सैंडविच। ओह मलाई सैंडविच है। हाँ। वो तो बहुत इजी है। अच्छा तो मलाई सैंडविच के हमको क्या क्या चाहिए ये तो बता। दूध लगेगा, दूध लगेगा। सैंडविच के लिए ब्रेड लगेगा, ब्रेड लगेगा। शक्कर लगेगी, शक्कर और लगेगी। ओके, थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, 20 रुपए का तो दूध आएगा, 20 रुपए का दूध, क्योंकि दूध ही मेन चाहिए, मलाई बनाना है। 10 रुपए का ब्रेड लेंगे, 10 रुपए का ब्रेड, 10 रुपए का शक्कर लेंगे, 10 रुपए का शक्कर, 10 रुपए का ड्राई फ्रूट। 10 रुपए का ड्राई फ्रूट कौन देगा? ढूंढना पड़ेगा, यही तो चैलेंज है ना गाइस, जिसको समझता नहीं। आजा जल्दी आजा यार, उधर लेके इधर चल रहा है यार। वाफल कैसे बनाते हैं? प्रीति वो देख, वाफल शॉप चल जाते हैं। चल हां, तो उसमें क्या करेंगे? जाके तो जाके खरीद लेंगे और दिखा देंगे ना वाफल। हमारे पास ना 50 रुपए, 500 रुपए नहीं है समझे ना, उसमें तो सॉस भी नहीं देगा वो। फिर अभी कैसे करें? रुक मैं जरा ना यूट्यूब पे देखती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मतलब ये बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? अरे अक्षरा ये देखना, बहुत इजी है, सामान मिल जाएगा आराम से। चल दो चार ही चीजें चाहिए। चल ये देख, ब्रेड है, ब्रेड 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 मिल गया दूंगा। ये देख, ये मिल गया ब्रेड। ब्रेड कितनी है? 50 रुपीज चैलेंज में सिर्फ ब्रेड 50 रुपए का हो गया हमारा, बाकी सामान लेना ही नहीं, लेना ही नहीं। रुकना, दूसरा देखते रुकना। ये अबे ये भी 50 का है? 50? अरे उमेश तू सेम उठा के बोल रहा है 50। अरे नहीं बाबा, वो इधर रखे है। 50 से देख चंगी, काम नहीं होने वाला, 50 से चलने वाला है नहीं। यहाँ पर दूध भी सस्ता वाला मिलेगा तो हम लोग निकल लेते हैं। अरे नहीं चंगी, पहले ये सोच के हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी दुकान में जाना पड़ेगा जहाँ पे। तो हमने ना यूट्यूब पे देखा है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो अक्षरा हमें क्या चाहिए? मैदा, यस मैदा, शक्कर, शक्कर, दूध, दूध, और मुझे लगता है डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए, हम लोग डेरी में ही लेने वाले हैं। उसके ऊपर ना अक्षरा, मैं तेरे लिए एक स्पेशल वाला वेफर बनाऊंगी, उसके ऊपर डालूंगी वैनिला आइसक्रीम। ओह वाओ। एक्चुअली हम यहाँ पे आए किराना स्टोर पे, तो आई होप कि ये हमें मिल जाए बजट में। देखो जरा ये सैंडविच वाला तो है, बट वो देगा कि नहीं देगा यार मालूम नहीं है यार। मतलब उससे हम छुट्टा ब्रेड मांगे और वो दे देगा, देखते ना भाई साहब। अच्छा सुनिए ना, हमें ना ब्रेड चाहिए था, सिर्फ ब्रेड चाहिए, वो भी सिर्फ कितना? 4-5 ब्रेड चाहिए। 5 ब्रेड चार पाँच ब्रेड नहीं देते? हाँ अच्छा, हम लोग आपको ना थोड़े पैसे देने, प्लीज दे दो ना, हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। 4-10 रुपए दे देते आपको। वो आपका बात बराबर है, लेकिन हम लोग ऐसे ब्रेड नहीं देते, सैंडविच के लिए रहता है। दे दो ना प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज एक, अच्छा प्लीज प्लीज 10-10 रुपए देते आपको, 5-5 10 रुपए के दे दीजिए। थोड़ा लगा लेते बस, थोड़ा सा थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू। ये कितने का वैनिला? 12 रुपए के। ओके तो एक वैनिला का ये दे दो। मुझे ना 10 रुपए का दूध चाहिए, वो मैदा और शक्कर कितने मिलेगा? काजू नहीं मिलेगा। तब मुझे 10 रुपए का ये दे दो दूध। तुझे पता है वॉफल का नाम वॉफल क्यों पड़ा? अरे पता नहीं, अंग्रेज को कुछ काम नहीं था तो ऐसे नाम रख दिया होगा। अरे मुझे पता है। अच्छा क्यों? क्योंकि ना एक इंसान ने ना बहुत अच्छा फल खाया और उसने बोला वाह क्या फल है वॉफल। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह। मुझे लगता है मुझे जल्दी से वॉफल बनाना पड़ेगा क्योंकि अक्षरा का पेट खाली है, इसलिए उसका दिमाग चल नहीं रहा है ना। अक्षरा देखा मेरे जो हंसती भी नहीं है ये। सुन हमने 10 रुपए का वो ले लिया, अभी हमने क्या डिसाइड किया है? 20 रुपए का ही दूध लेना है। तो इसीलिए इस डेयरी के सामने आके चिल्ला रहा है तू? Yes. 20 रुपए का दूध मिलेगा आपके पास? हाँ। दे दीजिए। खुला में दे दो। 20 रुपए का छुट्टा दूध मिल गया, अभी क्या बाकी है? शक्कर। तो हमारा यहाँ पे हो गया 20 रुपए, ये 10 रुपए, ये रहा हमारा मैदा, ये रही हमारी शक्कर। अच्छा मुझे तो शक्कर ज्यादा मिल गई अक्षदा। हाँ। ये देख मिक्स वाला मिल गया, ये डालेंगे ना बोल। 165 रुपीज। क्या करें, 50 रुपए के चैलेंज तो हमें उधार लेके करना पड़ेगा, और उधार लेके नहीं होगा। भाई साहब आपके पास चॉकलेट है क्या? 5 वाला। अरे वाह चलो हमें डेयरी मिल्क दे दीजिए। मिल गई अक्षदा, ये देख डेयरी मिल्क, और ये बहुत कम जगह मिलती है 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क। अच्छा बॉस दिखा दूंगा। 10 रुपए का शक्कर है, शक्कर का छुट्टा शक्कर। अरे उस दुकान में तो इतना महंगा था, कहाँ पर मिलता है? अरे मिलता है यार, महंगी की दुकान नहीं। हमें ना काजू और बादाम मिक्स चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि 10 रुपए ही है हमारे पास। थोड़ा सा दे देना ना, थोड़ा सा काजू दे देना, थोड़ा सा बादाम दे देना। ठीक है A few moments later. तो आ गया है हमारा 50 रुपए का सामान। हमारा भी 50 रुपए का सामान आ चुका है और 3 रुपए की हमने बचत भी की है। ये देख लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें बोला था पुडिंग। हाँ तो ब्रेड और ये बटर, ब्रेड बटर बना रहे हो? पुडिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बता? मलाई सैंडविच यानी शाही टुकड़ा। नहीं नहीं नहीं, अरे मलाई सैंडविच अलग डिश है, शाही टुकड़ा अलग डिश है, और पुडिंग अलग डिश है। यू गर्ल्स आर सो कंफ्यूज, कुछ तो एक बात करो ना। विदेशी साले भी है स्वदेशी, यू नो। चलो जो भी हो जाए, वाओ तुम वॉफल बनाने वाले हो? हां ये क्या बात है। वैसे गर्ल्स तुम लोगों को कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो? मतलब हमें तो पता है लेकिन कोई बोलता नहीं है ना। क्यों बोलेगा, क्योंकि खाना इतना बकवास बनाते हो तो। शुरू करते हैं, चलो चलो। यस तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध गर्म करना है या पहले ब्रेड या शक्कर डालनी है या फिर ये? ए भगवान, पाव में वड़ा, वड़े में आलू, समझ में आ रहा है क्या पहले डालूं? ओ वाह 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 वाह, क्या शायरी था ब्रो। शायरी छोड़, यहाँ पर क्या डालना है? नहीं पहले सबसे पहले हम लोग दूध गर्म करेंगे। दूध गर्म कर। तो सबसे पहले हम डालेंगे मैदा और शक्कर के साथ शक्कर। हम एकदम प्रो है वॉफल बनाने में। ये हो गया शक्कर डाल के, अभी सिर्फ मिक्स करना है और दूध को थोड़ी देर तक हमें धीमी आंच पर ऐसे ही गर्म करना है ना। अक्षदा क्या तुझे पता है क्या, ये बॉयज है ना बॉयज, हाँ हमारे टी है, टी टी मतलब टी? क्या होता है टी? अरे टी मतलब क्यूटी है। हम दोनों क्यूटी है, क्यूटी क्यूटी नहीं है, हम दोनों स्वीटी है, स्वीटी। अरे नहीं, हाँ क्या तुम लोग बताओ क्या है? हाँ टी
ऑलमोस्ट दूध हो गया अभी। यस हमारा भी बैटर रेडी हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें। तो एक काम करना चाहेंगे, दूध पीछे रख दे, हम अभी ब्रेड को ये लगाएंगे, टोस्ट बनाएंगे ब्रेड। यस चलो ब्रेड हमने रख दिया टोस्ट होने के लिए। अरे थोड़ा पुश कर उसको, पुश। यार मुझे एक जोक याद आया यार अभी यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ ठीक है। हाँ। एक लड़की है, वो अपने पापा के साथ माउंटेन में घूमने जाती है और अपने पापा को माउंटेन से धकेल देती है। हाँ। तो बताओ उस लड़की का नाम क्या है? अरे लेकिन कोई भी लड़की अपने पापा को माउंटेन से कैसे धकेलेगी? आप कमेंट में बताओ। पागल लड़की वही। नहीं उसका नाम क्या होगा लड़की का, बताओ जल्दी। मेरे को नहीं पता। हां मुझे याद है। क्या? मुझे नहीं पता। पुष्पा। ये कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं पर यहाँ से आग नहीं है, धुआं नहीं आ रहा है। एक मिनट, लड़कियों से ना आर्गुमेंट नहीं करते क्योंकि आर्गुमेंट में ना दो चीजें होती है, एक साइड होती है सही की और एक साइड होती है लड़कियों की। ये बात भी बराबर बोल रही है। अभी तुम आइसक्रीम भी लाए हो? ये रखो हमारा पहले शाही टुकड़ा रेडी करने दो। ये एक दो, ये दो, इसमें डालेंगे अभी रबड़ी। वाव कितना टेम्पटिंग लग रहा है खाना अक्षदा। वाव अरे वाव, अभी हम बता दे तुमको वाव। ये अब इसमें डाल दिया, हो जाए फाइनल टच। अभी हम डाल रहे हैं इसमें ड्राई फ्रूट। तो फाइनली दोनों टीमों का खाना रेडी हो गया है। और आज हमारे जो जज है वो है मास्टर शेफ में, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जब मास्टर शेफ में सारे लोग खाना बनाते थे तो ये ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाता था। यस और उनको उस चीज के मिलते थे 50 रुपए, इसलिए 50 रुपीज पीपल को हमने बुलाया। 50 रुपीज चैलेंज। अभी चुप बैठा हूँ, आके सुनेगा ना तो हो गया। फिर आ जाइए सर, आ जाइए प्लीज प्लीज सर। तो अभी आपको दोनों टेस्ट करना और टेस्ट करके बताना दोनों में से। हमने इन्हें अभी तक एकदम ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, बताओ चलिए कौन सा अच्छा बना है। पहले आप क्या कहेंगे? ये वाले डिश का नाम क्या है? पुडिंग। पुडिंग है, पुडिंग है। फिर मैं ये ट्राई करता हूँ। अच्छा आरी मिलेगी काटने के लिए? क्या दिखाइए सर, कैसे सर बताइए सर। नहीं नहीं अभी खाएंगे, दूसरा भी खाइए सर बताइए। अच्छा लग रहा है ये, स्पेशली फ्रांस से लाया हुआ बेल्जियम वॉफल है सर। या ओके तो डिसीजन बन गया है, डिश नंबर 1 या डिश नंबर 2? चलो हां दोनों अच्छे हैं। हां पर ये ब्रेड जितना कड़क था उसके लिए ये स्वीट एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा पर वॉफल अच्छा है। तो विनर कौन है? विनर 100% वॉफल। इतनी खुशी। गलत गलत, निकल पहली फुर्सत में, निकल 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 पहली फुर्सत में निकल। चाय तो नहीं, वो बटर टुकड़े, बटर उसमें पूरा बटर का स्मेल आ रहा है। ये खा के देख रही थी, टूट ही रहे अक्षदा कहा पते दांत टूट जाएंगे। तो हमने खाया एक्चुअली वॉफल, बहुत ही अच्छा बना। तो 50 रुपए में आप अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हो, जो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। प्लीज आप कमेंट करना, मतलब अभी हमने 50 रुपए वाला किया, फिर हम 20 रुपए वाला भी कर सकते हैं, 10 रुपए वाला या 0 रुपीज। आप बताइए कमेंट करके 20 रुपीज या 0 रुपीज में कुकिंग चैलेंज है, वो मजा आएगा 0 रुपीज। तो अगर ये कंसेप्ट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यस तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय बाय। मुझे तो वॉफल एक इतना सा टेस्ट करने के लिए मिला।